हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। अभी लगभग 1 बज चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी लंच बना लूँगी। तो आज मैं लंच में करेला फ्राई, ओकरा फ्राई और लौकी दाल के साथ एक सब्ज़ी बनाऊँगी। सो आगे देखते जाइए मैं क्या और कैसे बनाती हूँ। ये लौकी है और मैं दो दाल टाइप का दाल मिक्स कर रही हूँ, मूंग दाल और मसूर दाल। दोनों को मिक्स करके मैं पानी में थोड़ी देर के लिए भिंगा के रख दूँगी ताकि दाल फूल जाए अच्छे से। और अभी मैं लौकी को छील के अपने हिसाब से काट लूँगी। तो मेरी जो मेड है वो सब्ज़ी काट देती हैं, लेकिन उनको कौन सा सब्ज़ी कैसे काटना है पता नहीं होता है, तो इसलिए कुछ कुछ सब्ज़ी मैं ही काटती हूँ। जैसे कि ये ओकरा है, इसे मुझे ऐसे गोल गोल काट के फ्राई करके खाना पसंद है, इसलिए मैं इसे खुद ही काट रही हूँ। और ये ओकरा सिर्फ मैं हल्दी और नमक में ही फ्राई करती हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। तो मैं ओकरा को धो लूँगी अच्छे से। तो हम घर में दो ही लोग रहते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। तो मैं यहाँ लौकी काट रही हूँ जैसे मुझे पसंद है, आलू फ्राई की तरह पतला पतला काट लूँगी। मैं लौकी को दाल के साथ मिक्स करके बनाऊँगी। तो मैं खाना मोस्टली मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, तो यहाँ मैं ओकरा फ्राई के लिए थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। ओकरा में थोड़ा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दूँगी। तो मैंने लौकी काट ली है, अब मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। मैं लौकी और दाल वाली सब्ज़ी में एक प्याज, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड करूँगी। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो मैं यहाँ पर जो खड़े मसाले डालते हैं वो तैयार कर लूँगी, जिसमें जीरा,
सूखी मिर्च और एक तेज पत्ता डालूंगी। ये है छौंक के लिए खड़े मसाले। मेरे घर में मोस्टली वेज खाना ही बनता है क्योंकि हम लोग सब दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो जिस दिन वेज बनता है उस दिन मैं एक दाल वाली सब्जी या फिर दाल ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं ऑनियन और ग्रीन चिली भी ऐड कर दूँगी और इसे थोड़ा हल्का लाल होने तक भून लूँगी। और इधर ओकरा फ्राई को भी थोड़ा पलट लूँगी। मैं जो गार्लिक डालूंगी उसको मैं थोड़ा क्रश करके ही डालूंगी। ये देखिए मेरा सिंपल ओकरा फ्राई और इधर ऑनियन फ्राई हो रहा है। अब मैं लौकी भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा फ्राई कर लूंगी। और इधर दाल भी वॉश करके वो भी डाल दूंगी। मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लूँगी। सॉल्ट और थोड़ा हल्का मसाला जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल के भून लूँगी ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। फिर मैं पानी ऐड करके कुकर में सीटी लगा दूँगी। ओकरा फ्राई हो गया है, मैं अब निकाल लूँगी। अब मैं करेला फ्राई करने के लिए फिर से गैस ऑन कर दी हूँ। तो ये करेला मेरी जो मेड है वही काट के गई है। करेला में मिक्स करने के लिए एक ऑनियन भी पतला पतला काट लूँगी। और करेला में ऑनियन और ग्रीन चिली भी ऐड करूँगी।
करेला फ्राई मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए मोस्टली करेला फ्राई बनता है। तो करेला भी मैं हल्दी और नमक से ही फ्राई करूँगी, कोई मसाला नहीं डालूँगी। हल्दी और नमक मिक्स करके ढक के फ्राई करूँगी। तो हम मोस्टली लंच में राइस ही खाते हैं, तो राइस के साथ जो भी सूटेबल सब्जी होता है और जो घर में अवेलेबल होता है मैं वही सब्जी बनाती हूँ। दोपहर को लंच में राइस ही पसंद है। तो लौकी वाली सब्जी में थोड़ा धनिया पत्ता डालने के लिए मैंने धनिया पत्ता ले लिया है, और मैं धनिया पत्ते को ऐसे डब्बे में करके फ्रिज में रखती हूँ ताकि धनिया पत्ता ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे। अभी मैं लौकी में पानी डाल दूंगी क्योंकि सारे मसाले और लौकी थोड़ा फ्राई हो चुका है। पानी डाल के मिक्स करके कुकर में सीटी लगा दूंगी। अभी मैं धनिया पत्ता साफ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हम दोनों के हिसाब से चावल ले लिया है, उसे धो के अच्छे से रख दूँगी। जब वो फ्री होंगे तभी मैं गरम गरम चावल बना लूँगी, क्योंकि वो मीटिंग में बिज़ी हो जाते हैं तो फिर राइस ठंडा हो जाता है, इसलिए जब वो फ्री होते हैं बोलते हैं तभी मैं थोड़ा राइस बना लेती हूँ। और हमारे लौकी और दाल की सब्जी बन चुकी है, ये मुझे ऐसी ही पसंद है। अब मैं थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दूँगी और ये मैंने हम दोनों का खाना निकाल लिया है, ओकरा फ्राई, करेला फ्राई और दाल। तो मैं अपने प्लेट में थोड़ा घी ऐड कर लूँगी, उनको घी खाना थोड़ा मना है तो इसलिए मैं उनके प्लेट में नहीं डालूँगी और हम दोनों साथ में ही लंच करेंगे क्योंकि वो अभी मीटिंग से फ्री हो चुके हैं। सो देखने के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।